कब्रिस्तान लिफ्ट में गिरी कार, एक युवक की मौत, मासूम बच्ची सहित दो जने घायल। आज सुबह कब्रिस्तान लिफ्ट नहर में कार गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक और एक वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बिरधवाल हेड पुलिस चौकी प्रभारी ASI जय कुमार भादू ने बताया कि हादसे में हनुमानगढ़ के 15 साल के साहिल की मौत हो गई। साहिल खान, सलमान खान और एक वर्षीय बालिका जहानम ऑल्टो कार में सवार होकर गांव 10RD से 15RD की तरफ जा रहे थे। कार कब्रिस्तान लिफ्ट कैनाल की पटरी के साथ साथ जा रही थी। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने बचाव कार्य शुरू करके सलमान और बच्ची जहानम को बचा लिया, लेकिन साहिल खान की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार को बाहर निकाल लिया। तीनों को सूरतगढ़ के सरकारी अस्पताल में लाया गया। यहां परिजनों ने साहिल का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस और परिजनों में काफी देर तक विवाद होता रहा। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ी थी, जबकि परिजन पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे। समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद साहिल खान का शव परिजनों को सौंप दिया। सलमान ने पुलिस को बताया कि वो कार में सवार होकर नरमा चुगाई के लिए जा रहे थे, रास्ते में हादसे के शिकार हो गए। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।